आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स हुए बेरोजगार। दरअसल कोरोना वायरस के चलते कई फिल्मों की और सीरियल की शूटिंग रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज एंड गिल्ड प्रोडक्शन एसोसिएशन ने मिलकर फिल्म इंडस्ट्री में हर दिन काम करने वाले वर्कर्स को राशन देने की मुहिम शुरू की है। अभी तक 5,000 फूड पैकेट्स ऑर्डर कर दिए गए हैं। वर्कर्स को राशन देने की प्रतिक्रिया रविवार से शुरू होगी और हर हफ्ते ये मुहिम जारी रहेगी। इस संस्था फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े प्रोड्यूसर्स और टेलीविजन स्टार्स को भी आगे आके मदद करने की अपील कर रहा है। राशन बांटने की ये मुहिम रविवार को फिल्म स्टार स्टूडियो में शुरू होने वाली है। राशन देने के साथ साथ ही प्रोडक्शन एसोसिएशन मेकर से बातचीत भी करेंगे और ये निश्चित करेंगे कि डेली वर्कर्स को हर दिन के हिसाब से पैसा और उनकी सैलरी पूरी दी जाए। अब तक फेमस प्रोडक्शन कंपनीज ने वर्कर्स को राशन बांटने की बात पर अपनी मोहर लगा दी है। इससे पहले इस बात को ट्वीट करके सुरेश अनुराग कश्यप और अरमान सिन्हा समेत कई प्रोड्यूसर गंभीरता से लेते हुए बता चुके हैं। अब देखना ये होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर्स और टेलीविजन के हर दिन काम करने वाले लोगों की मदद कैसे कर पाते हैं। आपको बता दें कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 19 मार्च से लेकर 31 मार्च तक टीवी सीरियल्स और शूटिंगों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि शूटिंग बंद होने का असर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे स्पॉट्स बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटमैन, प्रोडक्शन टीम से जुड़े कई लोग और जूनियर आर्टिस्ट जैसे लोगों पर पड़ रहा है, जो कि फ्रीलांस के हिसाब के तौर पर काम करते हैं। क्योंकि शूटिंग बंद हो रही है तो जाहिर तौर से उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, लेकिन अब ये संस्था सामने आ रही है और इन वर्कर्स की मदद के लिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री तैयार है। अब आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और एंटरटेनमेंट न्यूज के लिए देखिए जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। धन्यवाद।